हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वाला डिज़ाइन पैटर्न लेके आई हूँ, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। इस तरह से ये दिखाई देता है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने यहाँ पे 25 ही फंदे लिए हुए हैं, इसीलिए फिर ये भी उल्टा होगा, ये भी उल्टा, मतलब फर्स्ट के दो फंदे हमारे उल्टे होंगे, ये गैपिंग के फंदे रहेंगे और 23 फंदों का ये पैटर्न है। तो इसके बाद क्या करना है, आपने एक सीधे बुनने हैं फंदे, दो, तीन, चार, पाँच, छः फंदे सीधे ही बुनने के बाद आपको ये जो सातवें नंबर का फंदा है, इस तरह से बुनना सीधा ही है, लेकिन इसको आपने, जैसे एक बार हम रैप करते हैं बुल को, तो अभी आपने दो बार इस तरह से रैप करनी है। बस ये देखिए, आप इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से हमने डबल बार इसको रैप कर लिया। फिर इसके बाद फिर से आपको एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। अब आपको नौ फंदे सीधे ही बुन लेने हैं और ये जो नेक्स्ट वाला फंदा है, इसको फिर से इस तरह से डबल रैप कर लेना है, इस तरह से। फिर इसके बाद बाकी आपने जो फंदे बच गए उनको सीधा ही बुनना है। कितने बुनने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ये जो आपका पैटर्न है, इस तरह से वी शेप की यहाँ पे बीच में जालियाँ डलती हैं, तो इधर को भी इक्वल फंदे रहने चाहिए और इधर को भी। जैसे यहाँ पर भी छः फंदे हमने बाद में बुने और सातवें नंबर का फंदा था उस पर डबल रैप किया है, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी छः फंदे हमने सीधे बुने और सातवें नंबर के फंदे पे डबल रैप किया। तो इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट वाली रो, जो कि है उल्टी रो। तो उल्टी रो में हमें फंदों को उल्टा ही बुनना है, लेकिन जो रैप किया वो डबल रैप वाला फंदा है, उसको क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। पहले हमने उल्टे ही बुनने हैं फंदे, ऐसे जैसे आप बुनते हो। फिर जब ये डबल रैप वाला फंदा इस तरह से आ जाएगा, तो इस तरह से इसको अब डबल रैप को खोल दीजिए और इसको आगे की तरफ को इस तरह से छोड़ देना है। डबल रैप को खोलने के बाद इसको छोड़ देना है, और मतलब इसको बुनना नहीं है, इस तरह से आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, मतलब कि बाद में इसको हम इधर की तरफ से फिर उठाएंगे। तो ये आपने इस तरह से छोड़ देना है आगे की तरफ को, और बाकी के फंदों को फिर से उल्टा ही बुन लेना है। अगर यहाँ आप इसको छोड़ने में अनकम्फर्टेबल हो, तो आप इसको किसी पिन या धागे में भी लगा के रख सकते हो। फिर उसके बाद ये बाकी के फंदे आपने उल्टे ही बुनने हैं। फिर इसके बाद फिर से बाकी के फंदों को उल्टा ही बुन लेना है। एंड में भी आपका ये डबल रैप वाला फंदा बनेगा, तो इसको भी फिर से आप यहाँ पे भी खोल के सीधी वाली साइड को छोड़ना है और बाकी के फंदों को उल्टा ही बुन लेना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तभी आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और पैटर्न अगर अच्छा लगे तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके बाद आ जाते हैं हम रो नंबर 3 में। तो रो नंबर 3 में ये देखिए, ये है आपके वो जो आपने पिछली साइड में नहीं बुने थे फंदे, तो इस तरह से आप उनको देख लीजिएगा, कहीं आपसे छूट ना जाए। फिर इसके बाद अब क्या करना है, पहले के दो फंदे तो अब हमारे ये उल्टे ही होंगे। आपका पैटर्न इसी तरह से आगे को कंटिन्यू होता जाएगा, आपको 25 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। फिर इसके बाद अब हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, अब आपको फंदे इस तरह से बुनने हैं सीधे, और ये जो छठे नंबर का फंदा है, इसको फिर से आपने डबल रैप करना है। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये वी शेप देता रहेगा, तो इधर से मतलब ये इधर 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 को मूव होते जाएंगे। और फिर अब इसका क्या करना है वो मैं बताती हूँ। अब ये आपने डबल रैप कर लिया छठे नंबर के फंदे पे, फिर उसके बाद अब आपको तीन फंदे सीधे ही बुन लेने हैं, एक, दो और ये तीन। तीन फंदे आपको सीधे ही बुन लेने हैं, और फिर इसके बाद अब आप इस तरह से इस फंदे को खींच लोगे इस तरह से, और फिर ये जो चौथे नंबर का फंदा है, तीन तो हमने ये सीधे बुन लिए डबल रैप के बाद, तो चौथे नंबर के फंदे को अब हमने इन दोनों फंदों को एक साथ बुनना है सीधा ही, इस तरह से। अब हमने इनको एक साथ सीधा ही बुन लिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक फंदे की कमी हो जाती है, मतलब एक कम हो जाता है, तो उसको अब हमने क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करते हैं, जाली से।
धागा अपनी तरफ करेंगे और फंदे को बुनेंगे सीधा ही। तो इस तरह से जाली भी डल जाएगी और आपका ये फंदा क्रिएट भी हो जाएगा। तो फंदा क्रिएट भी हो गया और यहाँ पे आपकी जाली भी डल गई। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ से आप देख सकते हो कि फर्स्ट जब हम जाली डालते हैं तो दो जालियां, अब हम यहाँ पे एक साथ ही डालते हैं तो एक साथ ही जाली डालेंगे। तो फिर से अब हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक जाली हमने डाल दी है, दूसरी जाली तो धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन। अब हमने इस वाले फंदे को इधर की तरफ को खींच लेना है इस तरह से और यहाँ पे लगा लिया। और अब इन दो फंदों को हमने एक साथ बुनना है, तो एक साथ बुनने से ये कम भी हो गया और जाली डालने से ये क्रिएट भी हो गया। तो अब यहाँ पे हमने पहली वरी में दो, जब हमने पहली बार जाली डाली तो दो जालियां एक साथ डाली, तो इस तरह से फिर अब हमने इसको छोड़ दिया। तो ये इस तरह से अब हमारा कम भी हो गया। और फिर इसके बाद फिर से आप तीन फंदों को इस तरह से सीधा ही बुन लोगे। तीन फंदों को सीधा ही बुन लेने के बाद अब चौथे नंबर के फंदे पे आप डालोगे फिर से डबल रैप। तीन फंदों को सीधा बुन लिया, डबल रैप हमने इस फंदे को बुन लिया। यहां से अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अब हमने पांच फंदों को बुनने के बाद छठे फंदे पे डबल रैप किया था, अब यहाँ पर भी हमारे यहाँ को पांच फंदे बच जाएंगे और ये छठे पे रैप डबल रैप हो गया। पर यहाँ से आप अगर मतलब कि अगर पीछे से आप काउंटिंग करते हो तो, लेकिन आपको पीछे से काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो सकता है, भूल सकते हो आप। तो बस सिंपल सा तरीका है, पहले जाली डाली फिर तीन फंदों को सीधा ही बुनने के बाद, यहाँ पर भी तो ऐसे ही किया था, तीन फंदों को बुनने के बाद हमने जाली डाली थी। तो यहाँ पे आप उल्टा कर लीजिए कि तीन फंदों को बुनने के बाद आप डबल रैप कर लीजिए क्योंकि जाली हमने पहले डाल ली, बस सिंपल सी बात है। तो अब फिर से बाकी के पांच फंदों को अब हम सीधा ही बुन लेंगे। इसके बाद उल्टी रो होगी, तो उल्टी रो में जैसे मैंने आपको रो टू में बताया उल्टी रो थी, तो इसमें आपको वैसे ही करना है कि बाकी के फंदों को तो उल्टा बुन लेंगे इस तरह से, और जो डबल रैप वाला हमारा फंदा है उसको इस तरह से इसका डबल रैप खोलेंगे और आगे की साइड को इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अब हर वरी आपको इसी तरह से करते जाना है। और अब मैं आपको बार बार ये उल्टी वाली रो नहीं बताऊंगी, बाकी सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है, कोई फंदा सीधा बुनना नहीं है, तो ये अब मैं नहीं बता रही हूँ। तो अब हम पहुंच गए सीधी वाली रो में। तो सीधी वाली रो में अब आपको फिर से अब आपकी ये जालियां इस तरह से मूवमेंट में बनती जाएंगी और फिर ये इस तरह की शेप आपको देता रहेगा। यहाँ पे आपको चाहे इतना नहीं भी ग्रेसफुल लग रहा होगा, लेकिन जब आप पैटर्न बनाओगे ना, क्योंकि मैंने तो एक ही ये इस तरह से मतलब ये डिब्बी बनाई हुई है, जब आप लगातार बनाते जाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये खूबसूरत सा पैटर्न है। तो अब क्या करना है, फिर से अब आपकी जालियां ये इस तरह से आगे को मूव करती रहेंगी और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। अब एक दो तीन चार ही फंदे अब आपको सीधे बुनने हैं, बस लगातार आपको इस तरह से डबल रैप करते जाना है। बस यहाँ पे फंदों को मतलब कि पहले छह बुने थे, पांच फिर चार, अब इस तरह से ये घटते जाएंगे। तो इस तरह से डबल रैप कर लिया। डबल रैप करने के बाद ध्यान दीजिएगा, तीन फंदों को आपको सीधा ही बुन लेना है, तीन फंदों को सीधा ही बुन लेना है। उसके बाद आपको इस लेफ्ट वाली सिलाई से ये फंदा खींचना है इस तरह से, फिर आपको ये दो फंदे इस तरह से सीधे बुनने हैं इकट्ठे। तो फिर ये कम हो गए और ये आपकी जाली आ गई। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि जाली के साथ साथ ही अब हम जालियां डालते जाएंगे, ये खुद अपने आप मूव होता जाएगा। तो धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदे को हमने ये धागा अपनी तरफ किया और यहाँ पे जाली डाल दी। अब यहाँ पे आपके दो फंदे अब इंक्रीज हो जाएंगे, तो इस तरह से दो फंदों को बुन लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जाली आएगी। तो जाली डालने के लिए फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जाली डालने से पहले आपको ये फंदा इस तरह से खींच करके यहाँ पे बुन लेना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी वाली आपकी जाली डलती है तो आप दो फंदों को एक साथ बुनते हो, लेकिन पहली जाली जब आपकी डलती है तो दो फंदों को एक साथ बुन लेते हो लेकिन जाली के साथ नहीं बुनते हो, नेक्स्ट सेकेंड जाली में ही ऐसा किया जाता है। तो इस तरह से अब इन दोनों को एक साथ बुनना है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ये वी शेप की जाली किस तरह से बनानी है ये बहुत ही स्लो तरीके से बता दूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे पैटर्न्स चैनल पे अपलोडेड हैं जो कि वी शेप की जाली में है, तो ये मैं आप लोगों को सिखा दूंगी अलग से वीडियो में भी। फिर ये जाली डालने के बाद इस तरह से
तीन फंदों को सीधा ही बुन लेना है। तीन फंदों को सीधा ही बुन लेने के बाद चौथे नंबर के फंदे पे ये आपका हमेशा ही, जब आप सेकंड जाली डालोगे तो आपको कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आपको बस यही याद रखना है कि तीन फंदे सीधा बुन लेने के बाद अब चौथे फंदे पे आप डबल रैप करते हो, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये खुद व खुद घटते जाते हैं क्योंकि एक एक फंदा हम यहाँ से कम करते जाते हैं, बढ़ा भी रहे हैं कम भी कर रहे हैं, तो फिर अब ये खुद व खुद ही एक दो तीन और ये चार फंदे बच गए। और नेक्स्ट वाली है उल्टी रो, तो उल्टी रो में आपको फिर से बता ही दिया है, अगर फिर भी पता ना चले तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है जो रैप वाला फंदा है उसको आपको खोल के आगे की तरफ को कर लेना है। तो ये मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं राइट वाली रो में, तो राइट वाली रो में अब आप देखिए तो ये फर्स्ट के दो फंदे तो अब हमारे उल्टे बन जाते हैं, और नेक्स्ट अब आपको एक दो और ये तीन ही फंदे बुनने हैं। तीन फंदों के बाद आपको चौथे नंबर के फंदे पे डबल रैप करना है इस तरह से, फिर आपको तीन फंदे और बुन लेने हैं सीधे ही। तीन फंदे बुन लेने के बाद चौथे नंबर के फंदे के साथ अब हम इस फंदे को खींच करके बुनेंगे, तो इस तरह से आप इसको लेफ्ट वाली सिलाई से खींच लीजिए और फिर इन दोनों फंदों को, चौथे नंबर का फंदा और ये जो मतलब छोड़ा हुआ फंदा था, इनको एक साथ आपने इस तरह से बुन लिया, एक साथ बुन लिया, फिर आपकी देखिए आप खुद ही जाली आपकी आ गई है। तो अब धागे को अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बुनेंगे तो जाली डल जाएगी। अब यहाँ पे ये फिर से इंक्रीज हो गए, अब आपको एक दो तीन और ये चार, चार फंदों को आपने सीधा ही बुन लिया है। उसके बाद अब आप देखिए ये जो इस तरह से मूव करते हुए फंदा जा रहा है, इसके साथ आपको फिर ये वाला फंदा खींच के बुनना होता है। तो आप इस तरह से इसको खींचिए फिर इसमें लगा करके, पर आपको ये दो फंदे अब जाली के साथ बुनने होंगे, तो धागा अपनी तरफ करते हुए इनको सीधा ही बुन लेना है इस तरह से। फिर इसके बाद फिर से तीन फंदों को आप सीधा ही बुन लोगे, फिर चौथे नंबर के फंदे पे आपको करना होगा डबल रैप इस तरह से। फिर अब फिर से यहाँ पे तीन ही फंदे आपके सीधे बच जाते हैं। नेक्स्ट आप आ जाती है उल्टी रो, तो उल्टी रो मैंने बता दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो फिर से, अगर आपको नहीं समझ आया है तो करना कुछ नहीं है, इसमें आपको डबल रैप वाला ये वाला फंदा इस तरह से आगे की तरफ को कर लेना है और बाकी सारी उल्टी रो उल्टी ही रहेगी, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। तो अब आ जाते हैं हम सीधी वाली रो में, अब सीधी वाली रो में पहले दो फंदे आपने उल्टे बुन लिए हैं और अब ये फंदे अब आपके घट के दो ही रह जाते हैं, और दो फंदे आपको अब सीधे बुनने हैं, तीसरे फंदे पे आपने करना है डबल रैप, और ये वाला फंदा अभी नहीं बुनना है, इससे पहले आपको तीन फंदों को सीधा ही बुन लेना है, फिर चौथे नंबर के फंदे के साथ आप इसको बुनोगे इस तरह से लेफ्ट सिलाई से खींचते हुए, दोनों फंदों को अब एक साथ बुन लीजिए, उसके बाद आएगी जाली, देखिए आप जाली के साथ जाली, तो धागा अपनी तरफ करते हुए फंदे को सीधा ही बुन लेना है। अब आपको एक दो तीन चार पाँच और ये छह फंदे सीधे ही बुन लेने हैं, उसके बाद आएगी आपकी जाली, जाली डालेंगे दो फंदों के साथ, तो अब इस वाले फंदे को भी इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे और फिर दोनों फंदों को एक साथ हम जाली के साथ बुनेंगे, तो कम भी हो गया क्रिएट भी हो गया। फिर से आपको तीन फंदों को बुन लेना है सीधा ही और चौथे नंबर के फंदे पे आएगी आपकी डबल रैप इस तरह से। अब दो फंदे आपके यहाँ पर भी सीधे ही रह गए हैं। नेक्स्ट है उल्टी रो, तो उल्टी रो पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें आपको जो उल्टे फंदे हैं उनको इस तरह से डबल रैप वाले फंदे को खोल के आगे की तरफ को कर लिया। कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको कहीं पिन अप कर सकते हो या फिर कुछ और तरीका जो आपको अच्छा लगे, या फिर इसको आप धागे में भी पिरो सकते हो, छूटना नहीं चाहिए आपसे, बाकी सारी उल्टी ही रहेगी। तो अब आ जाती है ये सीधी वाली रो, तो दो फंदों को एक साथ बुन लिया। अब आपको ये आप देख सकते हो ये जो आपके इस तरह से मतलब कि ये धागा लगा रहे हो आप, ये पांच आपके इस तरह से बनने चाहिए, एक दो तीन चार, चार मेरे बन चुके हैं और अब ये लास्ट है पांचवे नंबर का। तो अभी आपको कोई भी फंदे पे आपको रैप नहीं करना है, आपने बस इसी तरह से इस दो फंदे आपके सीधे आ जाएंगे और ये
तीन फंदे आपने इस तरह से बुन लेने हैं, फिर चौथे नंबर के साथ आप इसको खींच करके बुनोगे। फिर दोनों फंदों को एक साथ बुन लिया और धागे को अपनी तरफ करते हुए फिर ये आपकी लास्ट यहाँ पे आपकी जाली बन जाती है। टोटल आपकी जालियाँ आती हैं 1, 2, 3, 4 और ये पांचवी आपने यहाँ पे डाली, तो 5 जालियाँ आपकी बनती हैं। बीच में आपके कितने इंक्रीज हुए देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदे इंक्रीज हुए, एक जाली आपकी यहाँ डल गई है और एक यहाँ पे डल जाएगी। तो जाली डालने से पहले आप इधर से आप ये फंदा उठा करके एक साथ बुनोगे जाली के साथ, और 3 फंदे अब ये आपके। फिर आपने ये सारे ही फंदे मतलब 3 के बाद आप चौथे में डालते थे, इस वाली नहीं डालनी है, और बस आपके ये 5-5 ही इस तरह से आएंगे। और अब आ जाती है आपकी उल्टी रो, तो उल्टी रो फिर से आपने इस वरी कोई भी रैप नहीं किया है, तो सारी की सारी रो आपकी उल्टी ही होगी। तो इस तरह से अब आपका ये पैटर्न रेडी हो चुका है। तो ये टोटल हमने 12 रोज में कंप्लीट किया, 5 आपकी ये जालियाँ इस तरह से क्रिएट हुई, ये देख सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5 5 ही आपकी जालियाँ क्रिएट हुई, 5 ही आपने इस तरह से फंदों को यहाँ पे लगाया है। फिर आपको फिर से वही रो 1 से स्टार्ट करना है। तो ये मैं आपको एक बार फिर से करके बता देती हूँ, कई बारी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फिर से वही, पहले 2 फंदों को आपको उल्टा ही बुन लेना है, और अब आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे सीधे ही बुन लेने के बाद 7वें नंबर के फंदे पे आपको करना होता है डबल रैप। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदों को सीधा ही बुन लेने के बाद अब 10वें नंबर के फंदे पे आपको करना होता है डबल रैप। ये भी मैं आपको बताऊं, जो आपका यहाँ पे जब जाली डलती है, जाली के साथ जाली आती रहती है, उस वाले फंदे पे डल रहा है, और यहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पे आपकी जाली थी, जाली के साथ वाले इस वाले फंदे पे आपका ये डबल रैप होगा। फिर आपको नेक्स्ट 6 फंदे फिर से ऐसे ही सीधे बुन लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर आपको उल्टी रो में फिर से वही चीज़, आप अगर पता नहीं चल रहा है तो आप फिर से रिपीट कर सकते हो, अदरवाइज अब ये आपकी मैंने रो 1 ही आपको बना के बताई। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।